लेट्स मेक वॉशी टेप्स। और हम लेंगे ये कलरफुल पेपर्स, और उसके बाद हम लेंगे ये नॉर्मल सी सेलो टेप, और उसके बाद लेंगे ये वेस्ट सी, मतलब ये इस पे ही टेप थी और वो ख़त्म हो चुकी थी तो मैंने ये रख दी, और फिर हम लेंगे ये सीजर, और फिर ये लास्ट होगा स्केच पेंस। तो चलिए इसे बनाते हैं। हम इस पहले ब्लू पेपर से बनाएंगे। मैंने इस पर एक एक इंच की ये पट्टियां बना दी हैं। देखिए मैंने यहाँ पे रफ स्केच बना लिया है। अब हम इसमें करेंगे कलर। ये एक ही स्केच पेन से हम नहीं करेंगे, हम तो बहुत सारे स्केच पेन यूज। ये देखिए अब हम इसे कर लेंगे कट। इट्स रेडी। ये देख ही सकते हैं आप, और वाशी टेप्स की ना मतलब ये खासियत ये होती है कि एक डिज़ाइन की टेप ख़त्म हो जाए तो ये दूसरी डिज़ाइन की आ जाती है। हमें सेलो टेप को निकाल लेना है, और फिर हमें ये देखो ये लेना है और इसे उल्टा चिपकाना है। यहाँ से दिख है तो ये डिज़ाइन हमें इधर चिपकानी है। मैं भूल गई कि हमें साइड्स के और ऊपर के एंड को ना मतलब जरा सा ना छोड़ना है। ये देखो मैंने साइड में इतना सब छोड़ा है, और इसमें हम लगाएंगे दो दो क्योंकि दो दो आती है। देखो इसे भी हमें स्ट्रेट ही चिपकाना है। ये देख सकते हो अब हमें ना इसे कट कर लेना है। अब मैं इसे साइड में रखूंगी और इन दोनों को भी कर लूंगी, क्योंकि ये जो पांचवा था ना ये वाला ये मुझसे गलती से टूट गया। तो अभी चलो करते हैं ना इसकी साइड में से, इसकी साइड को ना ऐसे नीटली कट कर लेंगे। और मैंने जैसे कि कहा था हमें छोड़ना है थोड़ी जगह, ये आपको बहुत ही मतलब नीटली करना होगा। हमें जैसे पिछले वीडियो में कट किया था वैसे ही हमें इसको भी कट कर लेना है। बस आप साइड्स में जगह मतलब जगह में छोड़ना, क्योंकि हो चुका है पर मैं थोड़ी सी छोड़ रही हूँ। और मैंने क्या किया है, ये जो थी जिस पे हम टेप लगाने वाले हैं वॉशी टेप, तो इसे भी मैंने ना मतलब एक सेलो टेप से कवर कर लिया ताकि इस पे वॉशी टेप चिपके ना। तो अब मैं ना पहले ये वाली लगा रही हूँ, और आप को ये बहुत ही ध्यान से लगाना होगा वरना गड़बड़ हो जाएगी। फर्स्ट वॉशी टेप तो बहुत नीटली लगी, ये देख सकते हैं आप कैसे नीटली लगी है ये वॉशी टेप। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय। ये देखिए वॉशी टेप इतनी मस्त बनी है ना। ज़रूर कमेंट करना कि नेक्स्ट वाली वॉशी टेप कौन सी बनाएं।